चौधरी रजेंद्र ने जगह तो मैं पंडोरी ने जगह जट है जिन्ना चीज अपने कच्चे प्यो के नहीं बनते उन्ना चेर तुहानू पक्के प्यो की सुरती नहीं आती। पक्का प्यो है पार ब्रह्म आ जड़ा है ब्रह्मा का है ब्रह्मा की सृष्टि हैगी जी दो अखां नाल नजर आती है जी तीजी अख नाल पेखी दी हैगी जी नजर नहीं आती वो अपनी रूह हैगी जी पार ब्रह्म तू हैगी वो पुत्र तद बनोगे जे तुसीं इहदे पहला पुत्र बनोगे। पहला सतगुरु दुनिया च जीजस आया तो दूजा सतगुरु नानक सीगा। जिन्ना जेकर पहले सतगुरु की जी बाणी समझ आती उन्होंने दूजे की नहीं समझ पैनी। इस करके पहला तुसीं न्यू टेस्टामेंट के पैराबल समझो फिर तुहानू बाणी समझ आएगी। इत्थे मैं कर रहा सतगुरु अमर देव जी के श्लोक जिहड़ा कि हैगा तनासरी राग तनासरी महला तीजा कार चौथा ते हैगा हर एक ओंकार हैगा। एक ओंकार ने नहीं पढ़ना ते हर एक ओंकार हरि ओम शांति तो बनया है। हरि ओम शांति हरि ओम शांति ते तू हर एक ओंकार बनया है। आ जी बोधी नू कट्ठ दिती ना सतगुरु की दिती होंगी जनऊ नू तीन कट्ठा होंगे माता पिता ते पंडित दियाँ चौथी जी बोधी नू होंगी मन के उपर होंगी ना वो सतगुरु की होंगी। यह है हर एक ओंकार पढ़ना है। हर एक ओंकार सत गुर प्रसाद सत गुर दो अर्फ है ने सत ते गुर सत है जरा एब्सोल्यूट ट्रुथ सच जिन्होंने कह जाइए तो गुर है ढंग कई दिन सवाल करना है गुर की है जो गुर पता लग जाए फार्मूला तो वह सवाल निकले आता है। जरा गुर है वह है लॉजिकल रीजनिंग ढंग ना बोलना। इस करके गुरमुख वो होंगे जरा गुर नाल बोले बेताला नहीं बोलता वो। सतगुर प्रसाद प्रसाद में वह जरा नैक्टर है वो है लोगो लॉजिकल रीजनिंग का एंड प्रोडक्ट लोगो है। ये सतगुरु अमर देव जी का पहला तुसीं समझो भी इन्हां दा की सीगा सिक्खी च। ते इत्थे हैगे ने लोकी अपने कौमां दे ये जाते ने कोई खतरी होया कोई अरोड़ा होया कोई जट होया कोई चूड़ा कोई चबार कोई तरखान कोई लोहार ये जाते सतगुरु अंगद देव जी के कोल। वो उन्हां दी जाति दी होमे पांदे ने नाले उन्हां दसदे भी हुण तुसीं पार ब्रह्म नूं याद करो सारियां दातां पार ब्रह्म तों मिलदियां। ओहदे मगर सीगे अपने जिहड़ा तपा सीगा तपे तो उन्होंने कहा उतों नहीं मिलनिया हूँ तपे ने नहीं कुछ देना तुहानू जे सीधा अपने अकाल पुरख तो नाम मिलता है सारिया दातां। तो उन्होंने फिर सन्मुख किया अकाल पुरख नूं ते परवानी कराउंदे सी होमे नहीं आउण दित्ती विच। वो जिहड़े जातां दे लोग सी फिर उन्होंने पार ब्रह्म दे तौरफ कराया ते ब्रह्म के बेटे शब्द पछाता पहला ब्रह्म के बेटे बनो तो फिर शब्द की पछाण होएगी। इतने फिर सतगुरु अमर देव जी के हथ पढ़ाए उन्होंने नवे नवे जोड़े ना सुरती वाले बालड़ियाँ उन्होंने कहा हूँ सुरती आए हूँ माया वाल ना जाओ हूँ अकाल पुरख की माया लुटो। उन्होंने दुबला पन्नी इन्होंने उन्होंने होमे पन्नी होमे भन के उन्होंने जीवंदे जूंदे मार के ते उन्होंने जीवित किया सुरती। इत्थे उन्होंने फिर उन्होंने अकाल पुरख के पार ब्रह्म की बाणी समझाई ते पार ब्रह्म के जो पुत्र बन गए तो वह बन जाते गुरमुख। गुरमुख जोड़े है उचारते ने सुनते तो उचारते ने इन्होंने भी खूब बाणी उचारी। सतगुरु रामदास जी के हथ पढ़ाए इन्होंने उन्होंने जोड़ा मोह से वह पलिया जो उन्होंने मोह बन के उन्होंने कहा जिदा साधु होंगे नरमोए उदा बनो। वो फिर सतगुरु अर्जन देव जी सीगे ते सतगुरु अर्जन देव जी अपने अपने तीवी के गहने बेच के लंगर चलाते सी। पृथ्वी चंद आके मोहरे ठूठा करके तो उगराही करके घर में दौड़ जाता सी सारे पैसे लैके। उन्होंने कोई उहदे नाल मोह नहीं सीगा पैसे का आउंदा सी। उन्होंने कदे नहीं कहा भी तू क्यों इदां करदा। समा के बाकी भाई गुरदास वगैरह भी पता लगा तो उन्होंने फिर वो ठल पाई। यानी कि नरमोए होंदे ने पैसे का कोई इन्होंने लालच नहीं होंदा। जिद्दां चांदी होंदी कालख तो बिना चमकदी इदां ये चमकदी सी चांदी वांग। इन्हों ने फिर चित्त बिरती के सिख सन। होमे मन बुद्धि ते चित्त बिरती दे इन्हों दर्जा उही सी जिहड़ा सतगुरु नानक देव जी का सीगा। इन्हों तसीहे जिहड़े दिते ने वो नानक नूं दिते सी। जिड्डा वड्डा सतगुरु उन्ने वड्डे तसीहे। पहला सतगुरु जीजस उन्होंने सवेरे टंगिया तो शाम नूं मर गया। तो यह जिहड़ा सतगुरु सीगे नानक देव जी इन्होंने 4 दिन तपी लोह से बिठाया तो होर कई तसीहे दिते। तो चंदू खतरी सीगा जिन्हें दिते। खतरी जिहड़े सी 1 नंबर के दुश्मन सन। सतगुरु अमर देव जी ने उन्हें लत्त मारी सी दातू ने लत्त मार के कढ़ दिता सी भी जा दौड़ जा इथों। तो इस तरह हैगा यह जिहड़े खतरी है 1 नंबर के दुश्मन सिक्खी दे गए। तो ये अपने आप वेदां दे बड़े होंदे सी जानदे बड़ा इन्हां च हंकार हुंदा सीगा। जिद्दां मेहता सी ना कालू मेहता उहदे च वेदां दा बड़ा माहर सीगा बड़ा हंकार सी। तो सतगुरु नानक देव जी कदर नहीं कीती उहने। वो भाई भुलार सी पट्टी भुलार होना भुलिया होया वो भुलिया होया नहीं सी। वो तां जानदा समझदा सीगा उहने कदर कीती। जिदा कि पीर बुद्धू शाह लै गया सारिया नाल वड्डी दात सच्चे पातशाह गोबिंद सिंह जी तो कंघा बालां समेत नां दा बुद्धू ते लै गया 1 नंबर की दात। यह है द्वारफ से हुण तुहानूं समझ आ जाएगी कि बाणी सतगुरु अमर देव जी की यह हैगी दुबदा पन्नन वाली हैगी। तो उन्होंने बालड़ियां नूं दस्सण लई भी उधर पारब्रह्म नूं सन्मुख करो अपने आप में। हम भीखक भिखारी हम इसे मंगते है भिखारी है। सानू भीख चाहिए है नाम दी। तेरे तू निज पत है दाता तू निज 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 कर अपना निज कर जड़ा पारब्रह्म हैगा। तू उस निज घर का तू पत्त रखने वाला है दाता है पत्त रखने जरा तेरे आ जाए कमरे च या जड़े तेरे महलों च आ जाए उन्होंने मोड़ता नहीं है। जीजे जरा पहला सतगुरु कहता सी 1 fold 1 shepherd। वो जरा फोल्ड है चर्च ऑफ गॉड है 1 shepherd क्राइस्ट जीजे जरा है वह मुखी है। इतने सतगुरु नानक देव जी का फोल्ड जरा सीगा 1 fold निज घर 1 shepherd नानक। नानक दे सारे है ना ब्राइड्स सुहागना उन्हें तैयार की नानक ने। हू दयाल नाम दे मंगत मंगत जन को सदा रहो रंग राता। खूब दयाल जे तू दयाल होवेगा तो नाम दे सानू नाम दे मंगत साड़ी जड़ी मंग हैगी वो हैगी नाम दी। जन पुत्र जन होंदा पुत्र जन को सदा रहो रंग राता। जिहड़े ते अपने पुत्र नूं तू हमेशा उस नाम नाल रंगिया रख उस नाम दे नाल रंगिया रख। हूँ बलिहारे जाओ साचे, मैं उस मैं बलिहारे जाना सच्चे, तेरे तू सच्चा हैगा, तेरे नाम बटो, तेरे नाम बटो, तेरा नाम इदां दा कीमती हैगा, बहुत कीमती हैगा। करण कारण सबना का एको, करण कारण जो कुछ भी हुंदा हैगा सबना का एको, एको ही तू ही हैगा करण वाला, अवर ना दूजा कोई होर कोई नहीं हैगा करण वाला, तू ही सारियां दा हैगा सरदार। रहाओ बहुते फेर पै किरपन को, बहुते फेर मैं ना जन्म मरण दे चक्कर च असीं बहुत चिर लैंदे रहे ते हुण सानू आदमी दा जन्म मिलिआ हैगा। इस आदमी दे जन्म विच हुण तूं किरपा कर साडे ते, पै किरपन किरपा होई तां असीं जन्म लिआगा अपना आदमी दा, ते तूं हुण किरपा कर, तेरे दर मोरे असीं आए हां। किरपन कर को अब किछ किरपा कीजिए, किरपन को किसी तरह मंगते है क्या सानू हूँ कुछ किरपा कर। हो दयाल दर्शन दे अपना, दयाल होके अपना मेहर मेहर करके तू अपने दर्शन दे। ऐसी बख्श करीजे, इदा की असी बख्श मंगते हैं तेरे तू, पैसे की नहीं मंगते, पैसे की इसी तेरे दर्शन मंगते हैं, दर्शन वो नाम नाल हुंदे ने। जिदा जिदा उसका नाम तुसी समझोगे उदा उसकी मूरत बनती जाती है, उसका पता लगता भी आ सुभाव इदां दा हैगा, इदां दा हैगा। बिरत नानक भरम पट खुले, गुर प्रसादी जानिया। बिरत नानक नानक बेनती करते ने ब्रह्म पट, जेडे ब्रह्मा के पट सीगे ना, भी कोई कहता भी इत्थे हैगा, कोई कहता भी वह रब उत्थे हैगा, रब उत्थे हैगा, ते उह फलाने साधु कोल हैगा, फलाने कोल हैगा, ये सारे भरम जेडे सी पट गया, ते अंदर ही हैगा। हरमंदर हैगा ना, टैंपल ऑफ गॉड हरमंदर हैगा, हरमंदर के अंदर हर रहिंदा हैगा। गुण तां गाओ हर दे मन जिन वसाया, तो इत्थे ही अंदर ही हैगा। वो जिहड़े भरम सीगे भी वो बाहर हैगा, जिद्दां हुंदा हिरन कस्तूरी दा है, वो लभदा फिरदा हैगा, वो कस्तूरी वो कोल ही हैगी। तो इस तरह हैगा भी कोल ही हैगा, सानूं जंगलां जुंगलां च जाण दी कोई लोड़ नहीं हैगी, घर बैठे ही तुसीं नाम पा लो। बनत नानक भरम पट, वो जिहड़े पट सी, जिहड़े वो दरवाजे सी, वो सारे खुल गए। खुले घर प्रसादी जानिया, घर प्रसादी घर ही पैंबा अपने प्रसाद किदा लॉजिकल रीजनिंग करके, लॉजिकल रीजनिंग जदों की सतगुर प्रसाद, तद सानू उहदा प्रसाद मिलिआ नाम उहदा। साची लिव लागी है भीतर, हुण साडे च तेरे नाल सच्ची प्रीत लागेगी, भीतर लिव लागी तेरे नाल। सतगुर सियों मन जा मानिया, सतगुर सत दा गुर जिहड़ा हैगा वो लॉजिकल रीजनिंग हैगा। लॉजिकल रीजनिंग नाल इसी साडा मन मान गया। जदों लॉजिकल रीजनिंग तुसीं करोगे ते तुहाडा मन जिहड़ा वो समझ जांदा भी इहदे इलॉजिकल नहीं तुसीं जाना, लॉजिकली क्या है, तो फिर थोड़ा मन मन जाता है। हूँ 1984 च कहते ना भी इन्ने सिख मर गए जी उत्थे दिल्ली, हूँ सिख होंदा उन जेट सिक्ख्या होवे, सिख जिहड़ा हैगा ये वे ऑफ लाइफ हैगा, पंथ हैगा, ये कौम नहीं हैगी। आ मेरी कौम जट हैगी, कौमां दे लोग पैदा होंदे, कौमां दे लोग मरदे ने। कोई खतरी मरिया उत्थे, कोई जट मरिया, कोई चूड़ा मरिया, कोई चमार मरिया, पग बन ली तो दाढ़ी रख ली, क्या अपने आप में सिख हैगा। सिख अपनी माँ का सिर ना होवे। उत्थे गुरुद्वारे गया तो 5 रुपये उत्थे रखे, 5 रुपये उत्थे रखे, कीर्तन सुन लिया, ढोलकियां बजियां, आ गया, खा पी के लंगर खा के आ गया। तो क्या ऐसे गुरुद्वारे हो गए हैं जी, उसे प्रसाद ले आए जी, आ कर रहे हैं। प्रसाद उत्ते हुंदा हैगा शब्द भेंट, वो विच कृपान फेर देंदे ने। इन्नी सुरती नहीं हैगी भी कृपान भेंट नहीं करीदा गुरुद्वारे च प्रसाद। तख्तां ते हुंदा हैगा शस्त्र भेंट प्रसाद, गुरुद्वारे च नहीं हैगी। जिहड़ी तख्तां की मर्यादा वो तुसीं गुरुद्वारे आ के सिख दी, कृपाना रखिया ने उत्थे। सिख का ना कोई बैरी ना है बगाना। उन्होंने पूछा भी कृपाना कि मारनिया ने। इतने हम अमृतसर चले जाते हैं। अमृतसर है कंपलैक्स जोड़ा है सिखा तो सिख भगत निर्मल संतन का है। दोनों ही कृपान नहीं पाते, दोनों ही कृपान का इस्तेमाल नहीं करते। सिख का ना कोई बैरी ना है बगाना। तो संत ने चलानी है नाम का दो तारी खंडा चला, लोहे का नहीं चला उन्हें। अज जो अकाल तख्त है निर्मल संतां दा हैगा। जो इत्थे आए सी निर्मल संत मीने खत्रियां ने चक के बाहर मारे। उन्होंने पहला तो छेवां जिहड़ा सी सतगुरु तेग बहादुर जी, जिहड़ा आखिरी सीगा सतगुरु, उन्हें जदों अपने आया सतगुरु नानक देव जी के घर दर्शन करन अपने घर, कुंडा मार लिया सी तो उन्होंने कढ़ दिता सीगा। बाकी सी